हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कंसनट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड में कौन से ओर को हम कंसनट्रेटेड कर सकते हैं तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए जो सल्फाइड और होता है उसी को वेस्ट कंसनट्रेट कर सकते हैं तो इनके फार्मूले चेक कर लेते हैं ऑप्शंस के सीटराइट का फॉर्मूला होता है एफ ई सी ओ थ्री आयरन कार्बोनेट नेक्स्ट है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है एफ ई थ्री ओ फोर आयरन ऑक्साइड नेक्स्ट है गैलीना लेड सल्फाइड नेक्स्ट है मालाकाइट मालाकाइट का फॉर्मूला होता है सी यू सी ओ थ्री कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड तो इन सभी फॉर्मूलों में सल्फाइड और है गैलेना का तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन इम्प्योरिटी प्रजेंट इन वाक्साइड इज कॉमन इम्प्योरिटी बतानी है तो यहाँ पर वाक्साइड जो बना होता है और बना होता है उसमें होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री और लिकन ऑक्साइड और होता है टाइटेनियम ऑक्साइड और होता है आयरन ऑक्साइड एफ टू ओ थ्री तो इसमें कॉमन इंप्योरिटी जो आएगी वो आएगी आयरन ऑक्साइड ऑप्शन चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड सेकंड ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है right द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मेट इज फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड राइट आंसर है कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज कंपोजिशन ऑफ कॉपर मेट इज नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन पिग आयरन में मैक्सिमम इम्प्योरिटी कौन सी एलिमेंट्स की होती है ऑप्शन चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस सेकंड कार्बन थर्ड है मैग्नीज़ फोर्थ है सिलीकम तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर कार्बन कार्बन इज मैक्सिमम इम्प्योरिटी प्रजेंट इन पिग आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरिन फ्रॉम ब्राइन सोलूशन तो ब्राइन सोल्यूशन होता है सेचूरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल का उसे बराइन सोल्यूशन कहते हैं तो इसमें क्या ऑप्शंस यूज करेंगे फर्स्ट है रिडक्शन सेकेंड है क्लोरीनेशन थर्ड है एस्टिफिकेशन फोर्थ है ऑक्सीडेशन तब तो जब ब्राइन सोल्यूशन से क्लोरीन की एक्सट्रैक्शन होगी तो कौन सी प्रोसेस यूज होगी यहाँ पर टू क्लोराइड आयन लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और बनेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे क्योंकि टू क्लोराइड आयन्स हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन होगा ब्राइन सोलूशन से तो वहाँ पे प्रोसेस यूज होगी ऑक्सीडेशन तो डी ऑप्शन यीचर राइट आंसर थैंक्स